हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास थर्ड, लेसन थर्ड, द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन, पेज नंबर 16। यहाँ का एक्सप्लेनेशन आपका कल हो गया था इस लेसन का। इसके बाद जो है आज हम कंपल्सन चेकअप में क्वेश्चन ए आपका टिक द करेक्ट आंसर शुरू करेंगे। देखिए ए आपका टिक द करेक्ट आंसर, टिक द करेक्ट आंसर। पहला है एवरीवन हैज सम who is very in the bank से आपका number two then, ठीक है। option है आपका A, dear and near, dear and near। B है far and dear। C है आपका good, ठीक है। तो यहां से everyone has some who is very with a bad name, यानी everyone प्रत्येक का कोई ना कोई प्यारा बहुत बहुत प्यारा और नजदीक होता है। देख रहे हैं ऊपर पड़े हैं dear and near आता है क्या, यहां से कह रहा है कि everyone has some, मतलब प्रत्येक का कोई ना कोई जो है सबसे प्यारा और उसके सबसे नजदीक होता है। तो यहां से आप इस तरह से पढ़ चुके हैं डियर एंड नियर, ये पहला होगा, इस पे हम टिक कर देंगे। यहां आप मतलब ध्यान से भर देंगे डियर एंड नियर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। फिर सेकंड है आपका रोमी एंड हर मदर, रोमी एंड हर मदर, रूमी है हर मदर स्पेन मोस्ट ऑफ द टाइम रीडिंग ए मैगजीन, यानी बस मैगजीन्स से भी है मोरल स्टोरी और सी है न्यूज़पेपर, रूमी और उसकी माँ जो है अधिक समय क्या पढ़ने में व्यतीत करती है। तो आप बुक के एक्सप्रेशन में पढ़ चुके हैं मोरल स्टोरी नैतिक कहानियां, वो अधिकांश का समय जो है अधिक समय जो है व्यतीत करती है मोरल स्टोरी नैतिक कहानियां पढ़ने में। थर्ड है आपका रूमीज मदर, रूमीज मदर वाज रियली अफ्रेड ऑफ स्केलेटर बी है आपका लेटर Yeah.
रूमी मतलब वास्तव में आपने ना रूमी की मां जो है वास्तव में डरती थी, इससे एस्केलेटर से चलती सीढ़ी से, यहां से जाएगा एस्केलेटर ESCALLFUR, ठीक है। उसके बाद फोर्थ है रूमीज मदर मदर इज हर ए बेस्ट फ्रेंड बी फ्रेंड है, यहाँ से जाएगा रूमी मदर इज हर बेस्ट फ्रेंड, आप लिख रहे थे। इसका बी है आपका राइट टी पार्ट टू, रूमी वह रूमी जब रूमी के बुरे दिन होते थे तब उसकी माँ जो है उसकी सहायता करने के लिए वहाँ कभी नहीं होती थी। तो क्या होगा आपका बुक में पढ़ चुके हैं आपका फॉल्स होगा, जब उसके बुरे दिन होते थे तो उसकी माँ जो है हमेशा उसकी सहायता करने के लिए वहाँ पर होती थी, यहाँ पर क्या लेबर कभी नहीं होती थी, इसलिए आपका फॉल्स होगा। They go for shopping together. They go for shopping together.
देखो फॉर शॉपिंग टू द वे जो है साथ साथ शॉपिंग करने के लिए थे ये कितना होगा टू होगा ठीक है और फोर्थ है आपका मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम रूमीज मदर इज बिजी डूइंग मार्केट वर्क मार्केट वर्क मोस्ट ऑफ द अधिकतर समय जो है रूमी की माँ जो है बिजी व्यस्त रहती थी किसमें मार्केट वर्क में बाजार के कार्य में या तो क्या होगा पांच होगा वहां पर जो है बुक में हमने पढ़ा है इसमें व्यस्त रहती थी हाउस होल्ड कोर्स में यानी कि घर के काम काज जो है और व्यस्त रहती थी इसलिए क्या होगा पांच होगा ठीक है इस तरह से ये आपका लेसन थर्ड का द मोस्ट ब्यूटीफुल मैन का ये जो है ए और बी टेक द राइट आंसर और राइट टी पार्ट टू एंड अपर फॉल्स स्टेटमेंट आपका समाप्त हो गया इसके बाद जो है कल जो है अगले वीडियो में आपको इसके बाद सी आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन के बारे में बताया जाएगा तब तक के लिए गुड बाय बच्चों।